अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अली कहाँ थे तुम? इस वक्त मैं कहाँ पे हो सकता हूँ अम्मी? कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम सारा दिन गुजारने के बाद अब आ रहे हो। तुम्हें किसी का एहसास नहीं है? क्या गुजरी होगी बेचारी नौरीन पर? अम्मी मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है प्लीज। मैं बहस नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ, मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें। माँ हूँ मैं तुम्हारी। तो मुझे ये बताओ, तुमने उसे मुंह दिखाई क्यों नहीं दी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बकवास मत करो, कमरे में अंगूठी रखी हुई थी, बताया था मैंने तुम्हें। वो मैं नौरीन को कभी भी नहीं देता। वो अंगूठी अंबर ने मेरे साथ अपनी पसंद से खरीदी थी और वो मैं किसी और को दे देता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी जहन्नुम में गई अंबर और उसके पसंद। अम्मी अंबर के खिलाफ एक लफ्ज मत निकालिएगा वरना। वरना? वरना क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, आप इसको मेरी धमकी समझ लीजिए बेशक। सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन अंबर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करूंगा। चला जाऊंगा कहीं दूर में। अंबर अंबर अंबर, खुदा जाने अंबर ने तुम्हें क्या जादू कर दिया है कि तुम्हें कोई और दिखाई नहीं देता। और वो लड़की जिसे तुम निकाह करके लेके आए हो, उसका क्या होगा? जवाब दो। वो आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, अगर नौरीन ने सुन लिया तो क्या होगा? क्या सोचेगी बेचारी? वाह, बहुत ख्याल है ना आपको नौरीन का, उसके दर्द का, तकलीफ का, बहुत फिक्र है उसकी आपको। लेकिन मेरा क्या होगा? मैं क्या, आपने कभी सोचा है कि मैं कैसे जिंदगी गुजार रहा हूं, किस कर्ब की कैफियत से गुजार रहा हूं, कैसे सांस ले रहा हूं? लेकिन आपने तो कभी सोचा नहीं होगा। अरे मैं तो आपका बेटा हूं, आपको मेरी फीलिंग्स का एहसास होना चाहिए था, मेरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए थी आपको। क्यों क्यों नहीं पूछा? क्यों मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की आपने? क्यों, जवाब दे आप। अली, अली मेरे बच्चे, क्या हो रहा है तुम्हें? अली बेटा, खुद को संभालो, मेरी जान, मेरा बच्चा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? ताजमहल, ताजमहल जल्दी आओ, ताजमहल संभालो मेरा बच्चा, खुद को। अच्छा ड्रामा कर लेते हैं ये माँ बेटे, मैं भी देखती हूँ कब तक चलता है ये सब। तुम सब के दरमियान खेल इस तरह से खेलूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गुड मॉर्निंग, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बहुत बेहतर हूँ लेकिन अब जल्दी घर जाना चाहती हूँ। अरे बिल्कुल जाएंगी आप घर पर, बस कुछ दिन आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, फिर आप घर चली जाइएगा। मैं आपकी डोज एक्स्ट्रा कर रही हूँ ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। नर्स, इनकी डोज बढ़ा दें ताकि जल्दी ठीक हो जाएं। दिन में 2 टैबलेट्स इनको एक्स्ट्रा दें, ठीक है? ख्याल रखें। चलो ये फाइल यहीं रख दो। डॉक्टर, आपकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं चक्कर सा आ रहा है। ओह अच्छा, वो मैंने ना डॉक्टर आपसे अपनी अम्मा की शिकायत लगानी थी। वो मुझसे बदपरहेजी की बड़ी फरमाइशें करती हैं, कभी मुझे कहती हैं हलवा पूड़ी ला दूं, कभी कहती हैं ब्रोस्ट ला दूं। मैंने ये कहना था डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं। अंबर, अंबर, अंबर क्या हुआ तुम्हें? छोड़ो मेरा हाथ अली, दफा हो जाओ यहां से। अंबर मेरी बात तो सुनो। जाओ अली। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर, Oh,
हेलो जी, कौन? शैलाबा जी, कैसी हैं आप? क्या? ओ नो, ठीक है, हम अभी आते हैं। अम्मी, अम्मी, डॉक्टर अंबर के घर इन्फॉर्म कर दिया आपने? जी मैंने कर दिया है, बस आते ही होंगे। अच्छा डॉक्टर शैलम, मैं नीचे पेशेंट देखने जा रहा हूँ और मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया, कोशिश कीजिएगा इनसे ज्यादा बातें ना करें। डोंट वरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप? आंटी मैं अंबर को देखने आया। अपनी गंदी जबान पर मेरी बेटी का नाम भी मत लाना। आज जो इसका हाल है ना, उसके जिम्मेदार तुम। तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे, कभी नहीं। अली प्लीज तुम जाओ यहां से। छोड़े अम्मी, अंदर चले। आंटी आप आए, आप चले मेरे साथ। बच्चे को क्या हो गया? या अल्लाह रहम कर। कुछ नहीं हुआ आंटी, आप परेशान ना हो, थोड़ी देर में जाग जाएगी। पर आप ही को हुआ क्या है? तबीयत पहले से खराब है, रेस्ट बिल्कुल नहीं करती और ना ही कुछ खाती पीती है, इसी वजह से उसको चक्कर आ गए थे। लेकिन डॉक्टर साजिद ने आके उसे इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं इनके लिए फ्रेश जूस लेकर आऊँ। तबीयत कैसी है? उनको इंजेक्शन दे दिया है, अब थोड़ी बेटर हो जाएगी उनकी तबीयत, टेम्परेचर भी कम है। आप मुझे उनका वार्ड नंबर बता सकते? जी, 3rd floor, रूम नंबर 301। शुक्रिया जी। ये बड़ी उदासी हो जाएगी ज्यादा। अब चलें, टाइम हो गया है। हाँ बेटा चलते हैं। भाभी वो ताजवर और अरशद नहीं आए अभी तक। भाई हमारा जाने का टाइम हो गया है भाई, अपने घर जाकर तो वो फूफो का बिल्कुल भूल ही गए। अरे नहीं जायदा, शादी में थक गई होगी, पूरा महीना तो रह के गई है यहाँ वो। हाँ भाभी क्या, तो तुम ठीक ही रही हो, पूरी जिम्मेदारियाँ उन दोनों ने निभाई है। भाई तुम्हारी बहू भी तो नजर नहीं आ रही, जाना है हमने, हमसे मिलेगी नहीं क्या? मैं बोला नौरीन, नौरीन भाई आ जाओ, फूफो जा रही हैं। दीदी एक मिनट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ, खुदा हाफिज़। वो ताजर का फोन था, कहती थी सीधा एयरपोर्ट आएगी तो घर पे उसका वेट ना करें और जल्दी निकले। अम्मी अब चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ भाभी अब चक्कर लगाती रहना। अच्छा हाँ तुम भी फोन करती रहना इंशाल्लाह। चलो बेटा चले, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। अली को अपनी मुट्ठी में रखना, कहीं इधर उधर ना निकल जाए। हिना गले नहीं मिलोगी मुझे? जी क्यों नहीं। भाभी वैसे अली ने कसम से दिल तोड़ दिया आज मेरा, मिलकर भी नहीं गया मुझे। अम्मी रहने दे, मसरूफ होंगे, हम एयरपोर्ट जाके कॉल कर लेंगे। अच्छा ठीक है चलो बेटा चलते हैं फिर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? अब तो आप ही काफी बेहतर है, तो तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
अब आप परेशान हो जाते हैं इसीलिए। बुखार की वजह से चक्कर आ गए बस। कुछ भी हो जाए मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना। ठीक है आप खाना खा लें फिर चलते हैं हॉस्पिटल साथ। मुझे खाना नहीं खाना। देखिए अगर आप ही को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे आपसे। हाँ चलो पहले खाना खा। मैं अंदर आ सकता हूँ जी? आ जाओ बेटा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अंबर की तबीयत कैसी है? अब तो बहुत बेहतर है बेटा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? आंटी मेरी अम्मा की तबीयत खराब थी तो इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर अंबर उनका चेकअप कर रही हैं। इसी दौरान इनकी तबीयत खराब हुई, सोचा हाल पूछ के आ जाओ। अच्छा अच्छा बैठो ना बेटा। नहीं मैं चलता हूँ, डॉक्टर अंबर सो रही हैं, जाग जाएंगी तो फिर चक्कर लगाऊंगा। आप ये बुके और कार्ड दे दीजिएगा। अच्छा ये यहाँ रख दो बेटा, अंबर उठेगी तो मैं बता दूंगी जरूर। अब आपकी वालदा की तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अली तुम्हारी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। प्लीज मेरी बात का जवाब दो, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे अंबर कैसी है प्लीज। वो ठीक है अब, और तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तुम्हारे घर पर इंतजार कर रही होगी, तुम घर जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अली तुम्हें तो मेरी बात समझनी चाहिए शाला, हम दोनों की दोस्त हो तुम, तुम्हें पता भी नहीं है मैं किस मुश्किल वक्त से गुजरा। मुश्किल वक्त? तुम क्या मुश्किल वक्त से गुजरोगे अली, जो वक्त इस वक्त अंबर और उसके घर वाले गुजार रहे हैं। तुम तो शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या गुजरती है लड़की पे उस वक्त जब रुखसती से दो दिन पहले बगैर किसी कसूर के उसको तलाक दे दी जाए। क्यों मुझे बार बार ये बात रिमाइंड कराती हो तुम? जानता हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं। और क्या तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारी मौजूदगी अंबर और उसके घर वालों को अज़ियत पहुंचाती है? मत आया करो उनके सामने बार बार अली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शैला, बहुत बेबसा हो गया हूं। कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा मुझे। जो होना था वो हो चुका है अली, और अब तुम दोनों को आगे बढ़ना होगा। हकीकत को तस्लीम करने में ही तुम दोनों की बेहतरी है। शरद क्या मैं तुम्हें फोन करके अंबर की तबीयत पूछ सकता हूँ? ठीक है। अरे बेटा ये फूल क्यों फेंक दिए? जरूर अली ने भिजवाए होंगे। नहीं बेटा ये तो शहजाद देके गया है। कौन शहजाद? जिसकी अम्मी यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हारी पेशेंट है, जहाँ तुम देखने के लिए गई तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ वो मुझे बता रहा था कि उसकी अम्मी खाने में बिल्कुल एहतियात नहीं करती, और फिर पता नहीं अचानक मुझे चक्कर आए और मैं गिर गई। बेचारा तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आया था। अंबर अच्छे घर का लड़का लगता है। तुम्हारा बुखार बिल्कुल उतर गया। हाँ फिक्र क्यों करी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी।
तुम देखो कितनी कमजोर हो गई हो, अपनी हालत देखी है तुमने? ना खाने का ठिकाना, ना पीने का होश, कुछ भी पता नहीं है तुम्हारा। बस हर वक्त काम काम काम। काम भी तो जरूरी है ना अम्मी। वो तो है बेटा, लेकिन सेहत और हिम्मत भी तो जरूरी है। ये दोनों चीजें होंगी तो सब कुछ ठीक होगा ना, काम हो जाएगा। अच्छा मैं अपना ख्याल रखूंगी। अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं अपना ख्याल रखना भी छोड़ दूंगी। अरे ये क्या बात हुई अम्मी? अभी मैंने कहा ना आपको आइंदा शिकायत नहीं होगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं, भूख लगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साजिद कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल का खाना मत खाइएगा, उन्होंने आपके लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया है। ओफो, डॉक्टर साजिद भी ना। अम्मी डॉक्टर साजिद और हॉस्पिटल के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखा सबने मेरा, इतने केयरिंग है सब। क्या हुआ मेरी बेटी? कुछ नहीं हुआ अबू। कैसी तबीयत है आपकी डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। ओ शुक्र है खुदा का, मैं तो घबरा ही गया था। देखो इसकी प्रॉब्लम पता क्या है? ये परहेज नहीं करती, वो जूस भी नहीं पीती। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा जूस पिया करो? हाँ मैंने तो कई बार कहा ऐसे, लेकिन ये। अच्छा प्रॉमिस अब खाऊंगी। पक्की बात? फ्रूट भी खाओगी? खाऊंगी है ना, और सैलेड भी। ओके थे आप? कब से इंतजार कर रही हूं? क्यों? ये कैसा सवाल है? मैं आपका इंतजार नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? किसी को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, तैयार हो जाइए। क्यों तैयार हो जाऊं? कहां जाना है मुझे? आपने नहीं, हम दोनों ने डिनर पे। लेकिन कहाँ? किसी अच्छी जगह डिनर पे। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। अरे लेकिन मैं तो, मैंने कहा ना तो बस। अच्छा ऐसा करो तुम अम्मी के साथ चली जाओ। मेरी शादी आपसे हुई अली, आपकी अम्मी से नहीं। मुझे आपका वक्त चाहिए। तो क्या करूं, गुलाम बन जाओ तुम्हारा? नौरीन मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मुझसे किसी बात की उम्मीद मत रखना। अच्छा ठीक है ना, आप नहीं जाना चाहते तो हम कहीं नहीं जाएंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप खुश तो मैं भी खुश। अरे कसबल निकाल दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। थैंक गॉड, आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। ये बताएं कि बुखार की क्या कंडीशन है? अब बुखार तो नहीं हुआ। थैंक गॉड, आपने तो डरा ही दिया था। थैंक यू डॉक्टर साजिद। थैंक यू किस चीज का? बहुत यमी से डिनर के लिए, मेरी केयर करने के लिए, और ड्यूटी खत्म होने के बाद भी आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। अरे मैं किसी दिन आपके घर आके डिनर कर लूंगा तो आप अपना ये एहसान उतार लीजिएगा। जरूर क्यों नहीं डॉक्टर साजिद, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। नहीं इम्पॉसिबल, कम से कम आज तो आप नहीं जा सकते। मैं घर जाकर रेस्ट कर लूंगी, इस कमरे में बहुत दिल घबराता है मेरा, कब से बंद हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको यहाँ घबराहट हो रही है तो बाहर आप वॉक कर सकती हैं, लेकिन जाने की परमिशन आपको। डॉक्टर प्लीज। नो वे, हम आपको कल रिलीज करेंगे, वो भी आपकी इम्प्रूवमेंट देख के। हद होती है कोई इम्प्रूवमेंट की भी। डॉक्टर
हेलो हेलो शाला, कैसी हो? ठीक हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इट्स ओके, तुम बोलो। वो मुझे अंबर के बारे में पूछना था। अब कैसी है वो? पहले से काफी बेहतर है। थैंक गॉड। अच्छा, उसे रिलीज कर देंगे या फिर अभी एडमिट रखना है? शायद कल सुबह रिलीज कर दें। ओके, तुम बस अंबर का ख्याल रखना प्लीज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली और यही वजह है कि आपका मूड ऑफ। अंबर हॉस्पिटल, ये मेरा पर्सनल मैटर है, पर अपने प्राइवेट मैटर्स में मैं किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। अरे, एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, मैं आपकी बीवी हूं, हम दोनों में कुछ अलग नहीं है। मेरे साथ बहस मत करो। लेकिन मैं, मैंने कहा ना, कैसी तबीयत है आपकी डॉक्टर? बेहतर है। मैं आपके रूम में भी गया था आपका हाल पूछने के लिए, तो वहाँ पर आपकी वालदा से मुलाकात हुई। जी जी, अम्मी ने बताया मुझे आपके दिए हुए फ्लावर्स और कार्ड मिला। थैंक यू। इट्स ओके। वो क्या है कि हमेशा डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, मैंने सोचा क्यों ना इस दफा डॉक्टर्स का ख्याल रखा जाए। आपकी अम्मी के क्या हाल है? बेहतरीन, बल्कि वो तो आपकी बीमारी का सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, बार बार आपका पूछती। पेशेंट्स डर जाते हैं जब डॉक्टर बीमार हो जाए तो, बहुत भरोसा करते हैं वो अपने डॉक्टर्स पे। जी, वेरी राइट। कब डिस्चार्ज कर रहे हैं आपको हॉस्पिटल से ये लोग? कल शाम में। डॉक्टर साजिद मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है वो बहुत सख्त डॉक्टर है। आए ना, आपकी अम्मी से मिलते हैं। जी जरूर। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी प्लीज आइए। तुम तो ससुराल जाके बाप को भूल ही गई। नहीं अबू, ऐसा नहीं, वहां तो हर वक्त मुझे इस घर की और आपकी याद सताती रहती है। मेरा दिल ही नहीं लगता उस घर में। क्यों, अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है, दिल क्यों नहीं लग रहा? घूमने फिरने के दिन, क्या बताऊं आपको, मेरे साथ वहां कैसा सलूक होता है। भाई, मैंने तो जब भी तुमसे बात की है तुम हमेशा मुतमईन और खुश नजर आई हो, ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आया मुझे। आपने जब भी फोन किया है वो मेरी सास साहब सामने बैठी होती है, उनके सामने क्या बताऊं आपको, परेशान भी नहीं करना चाहती। अगर वो तुम्हारी कदर नहीं करते तो मैं कराऊंगा तुम्हारी कदर। बात कराओ मेरी। नहीं नहीं अबू, मुझे डर लग रहा है कहीं अली मुझे तलाक ना दे दे। अली तुम्हें तलाक दे दे, उसकी ये मजाल? अरे बेटा, मैंने तुम्हारे पैर इतने मजबूत कर दिए वहां पे कि वो ये सोच भी नहीं सकता। हक महर ने वैसे ही अली के हाथ पैर काट दिए, और रह गई तुम्हारी सास, अगर वो तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता दे, असद से कह के उसका दिमाग बिल्कुल ठीक करा दो। थैंक यू।
मेरे प्यारे। हेलो स्वीटहार्ट। ओके ओके, जहां तुम कहो। अरे मेरी जान, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। बस हाँ ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ ऑफिस ही आ रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग। बस आज भी ऑफिस जा रहे हो? सैटरडे को तो ऑफ होता है ना आपका। जाना बहुत जरूरी है, और सारे काम ऑफिस में ही नहीं होते, ऑफिस के बाहर भी क्लाइंट से मीटिंग्स होती हैं। मुझे घर के बहुत सारे काम हैं सर, कैसे होगा सब कुछ? ऐसे कौन से काम हैं जो सिर्फ मेरे साथ ही हो सकते हैं? घर की ग्रोसरी बिल्कुल खत्म, मैं को डॉक्टर पर लेकर जाना है मुझे, और ये सब कुछ कैसे होगा आपके बगैर? अपनी अम्मी के ड्राइवर को बुलाओ, उसके साथ जाके सारे काम कर लो, और प्लीज ये छोटी छोटी बातों को इशू मत बनाया करो। ये सब जिम्मेदारियां आपकी हैं। और वैसे भी मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से, आजकल आप बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे, ना मुझे और ना ही इस घर को। मैं सब बहुत जल्दी में, और तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने का मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। हटो मेरे सामने से। गुड, ठीक है जनाब, अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना जरूरी है। वो क्या? आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना होगा, फ्रेश जूसेस लेने होंगे, और कम से कम 2-3 दिन आराम करना होगा। 2-3 दिन? लेकिन डॉक्टर साजिद, कल से तो मेरी ड्यूटी है, मेरे पेशेंट्स हैं, मुझे आना होगा। देखा ना बेटा, ये ऐसे इज्जत करती है मेरे साथ में, अपनी ही चलाती है हर चीज को, अब तुम ही समझाओ इसको। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इन्हें 3 दिन बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। अरे नहीं नहीं प्लीज, मैं सब करूंगी। प्रॉमिस 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 अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, कैसी हो? और वो हमारी गुड़िया रानी क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, खेल रही है। बस अब तुम लोगों के जाने के बाद घर ऐसे खाली खाली सो गया। सही कह रही हैं आप, पुप्पो वगैरह भी तो चले गए। हाँ, और शादी के दौरान देखो कैसे वक्त भाग रहा था, और अब देखो तो लगता है कि गुजर के नहीं दे रहा। बहुत बोर हो रही थी, बड़ी उदास हो रही थी, सोचा तुम्हें फोन कर लूं। अच्छा किया आपने। क्या हुआ बेटा? ताजवर, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों हो रही हो? सब ठीक है ना? जी अम्मी, बस थक गई हूँ काफी। वैसे भी घर के काफी कामकाज पेंडिंग पड़े हुए थे, और असद है उनके पास तो वक्त ही नहीं होता, ना मेरे लिए और ना ही घर के लिए। लेकिन आज तो वो घर पे ही होगा ना? नहीं, आज भी गए हुए हैं, कह रहे थे किसी क्लाइंट से मिलना है उन्हें। पता नहीं आजकल कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगे हैं, हर बात का चिढ़कर जवाब देते हैं मुझे। कोई बात नहीं बेटा, बेचारा थक गया होगा शादी में, उसके ऊपर भी तो दोनों तरफ से जिम्मेदारियां पड़ गई थी, इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा होगा। तुमने क्या काम करवाने हैं? मैं ड्राइवर और गाड़ी भेज देती हूँ, करवा लो सब काम। जी अम्मी, मैं यही कहने वाली थी आपसे कि गाड़ी भिजवा दे मुझे। हाँ बस ठीक है, वो 1 घंटे तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ओके, और बताएं नौरीन और अली कैसे? पता नहीं बेटा, उन दोनों के दरमियान कब सब कुछ ठीक होगा, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। आज भी नौरीन अपने बाप की तरफ गई हुई है, पता नहीं कब आएगी। जी जी बस आ जाएगी, फिक्र मत करें आप, थोड़ी देर के लिए गई है, बस आ जाएगी। खुदा हाफिज। वैसे एक बात है रीना, कितनी एनर्जेटिक, कितनी फुल ऑफ लाइफ हो ना,
लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है सर, और मैं इसे पूरी तरह से एंजॉय करती हूँ। राइट। खैर आज का प्लान बताओ क्या करना है? ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव। और ऐसा करते हैं कहीं दूर चलते हैं, तुम ऐसा करो पेट्रोल फुल करवा लो। पेट्रोल की फिक्र मत करो वो फुल है। ओके, तो हम वापसी पे तुम्हारे फार्म हाउस चलते हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर, नॉट एट ऑल। ठीक है चलते हैं। ओके, अब आएगा ना मजा। एक्सक्यूज मी, वो डॉक्टर अंबर को क्या डिस्चार्ज कर दिया गया? डॉक्टर अंबर तो चली गई हैं। अच्छा, तो वो सुबह ड्यूटी पर कब आएंगी? वो तो नहीं आएंगी, वो तो 2-3 दिन की छुट्टी पर गई हैं। व्हाट, 2-3 दिन की छुट्टी? तो मेरी अम्मा को अब कौन डॉक्टर चेक करेगा? आप परेशान ना हो, डॉक्टर अंबर के पेशेंट्स डॉक्टर साजिद देखेंगे। डॉक्टर साजिद? डॉक्टर साजिद, ये डॉक्टर अंबर के बारे में पूछ रहे हैं। जी पूछे। वो एक्चुअली मेरी मदर जो है वो यहाँ पर एडमिट हैं, डॉक्टर अंबर उनका सब ट्रीटमेंट कर रही थी, तो अब वो कब आएंगी? एक्चुअली डॉक्टर अंबर 3 दिन के ऑफ में हैं, उनके जो भी पेशेंट्स हैं वो मैं देखूं। अस्सलाम वालेकुम। नूरीन, कहाँ थी बेटा तुम? क्यों, आपको पता नहीं था कि मैं अपने वालिद के घर हूँ? हाँ मुझे पता था, लेकिन कम से कम फोन करके बता तो देती कि तुम इतने लेट आओगी। अली तो आके सो भी गया, और मैं कब से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा मुसलसल फोन बंद आ रहा है। तो क्या अब मैं अपने हर लम्हे की खबर आपको दिया करूँ? जब आपके बेटे को मेरी परवाह नहीं है तो आपको भी मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा क्या हो गया तुम्हें आज, कि तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? कहाँ थे आप अब तक? क्यों, तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ था? सुबह के गए हुए, रात के 2 बजे घर में दाखिल हुए, मुझे कैसे पता कहाँ होंगे आप? कम से कम पूरे दिन में एक फोन ही कर लेते, खैरियत ही पूछ लेते। ऐसी क्या आफत आ गई कि खैरियत ही नहीं रही? अच्छी तरह से जानते हैं आप हालात, फिक्र हो रही थी आपकी मुझे। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझी? कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो खो जाऊंगा। क्या हो गया आपको, किस तरह बात कर रहे हैं? आहिस्ता बात करें। अच्छा, मैं आहिस्ता बात करूं और तुम जैसे चाहो बात करो। मैं तो बस सारे दिन का थका हुआ मैं आया और तुम्हारी टर 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 बंद ही नहीं हो रही, आराम करना चाहता। चलो हो क्या गया है इन्हें? अब्बू,
मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया आप सबने? अम्मी, अब्बू, कहाँ हैं आप लोग? अम्मी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो, अली, छोड़ो मुझे, अली, छोड़ो मुझे। मेरा पीछा छोड़ दो अली, छोड़ दो मेरा पीछा, मेरी जिंदगी से, मेरी यादों से, मेरे ख्वाबों से दूर चले जाओ, चले जाओ, प्लीज चले जाओ मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी मेरी है, मैं खुद तुम्हें आज के बाद अपनी यादों, अपने ख्वाबों से निकालकर फेंक रही हूँ, आज से ये जिंदगी मेरी है।